नागपुर में स्थित दीक्षा भूमि में 65वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के निमित्त बौद्ध धम्म के प्रतीक पंचशील ध्वज का ध्वजारोहण हुआ। दीक्षा भूमि के ट्रस्टी विलास गजधाते ने कहा कि कोरोना के चलते अपने समाज की सुरक्षा देश हित के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्मारक समिति सेवक लिए तत्पर है। नागपुर में स्थित दीक्षा भूमि में 65वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के निमित्त बौद्ध धम्म के प्रतीक पंचशील ध्वज का ध्वजारोहण हुआ। इस समारोह में भंते आर्य नागा अर्जुन सुरई ससाई, भंते निवड़क सुंग, डॉक्टर सुधीर फूलझेले, विलास गजघाटे, नामदेव सूते और समिति सदस्य पदाधिकारी, समता सैनिक दल के अधिकारी, दीक्षा भूमि परिवार के प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। दीक्षा भूमि के ट्रस्टी विलास गजघाटे ने कहा कि कोरोना के चलते समाज की सुरक्षा देश हित के लिए आवश्यक है और इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि स्मारक समिति सेवा के लिए तत्पर है। साथ ही अनुयायियों से अपील की है कि दीक्षा भूमि पर ज्यादा भीड़ ना करें। ऑनलाइन सेवा भी दीक्षा भूमि ट्रस्ट द्वारा अनुयायियों के लिए की गई है। यास नागपुर शहरातील नागभूमि स्थित पवित्र दीक्षा भूमि वर 14 ऑक्टोबर 1956 ला परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर अपने लाखों सह अन्य धर्मीय काही लोकांना बौद्ध धम्माची दीक्षा प्रदान केली होती। त्या दिवसापासून या पवित्र दीक्षाभूमीवर बाबासाहेबांचे मानवतेचे विचार व ऊर्जा घेण्याकरिता या महाराष्ट्र राज्यातून देशातूनच नव्हे तर देश विदेशातून बाबासाहेबांचे अनुयायी जे बौद्ध धर्मीयच नसून अनेक धर्मीय सुद्धा आहेत ते येतात। परंतु मागील 2 वर्षाच्या काळात या देशाने जगात आणि देशात जो थैमान कोरोना या रोगाने घातला त्या रोगामुळे 2 वर्षापासून पवित्र दीक्षाभूमीवर कोणतेही कार्यक्रम झाले नाही। पवित्र दीक्षाभूमीने महाराष्ट्र आणि केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार मागील 2 वर्षापूर्वी स्मारक समितीने समाजाला आवाहन केलं होतं की कोणी कृपया दीक्षाभूमीवर येऊ नये। बाबासाहेबांच्या भगवान बुद्धांच्या साऱ्या अनुयायांनी घरूनच बाबासाहेब भगवान बुद्धांना अभिवादन करावे। हर साल की तरह इस साल भी दीक्षा भूमि पर धम्म चक्र परिवर्तन दिन मनाया गया, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते सादगी के साथ धम्म चक्र दिन मनाया जा रहा है। उसी तरह इस साल भी सादगी के साथ आज दीक्षा भूमि पर धम्म ध्वजारोहण संपन्न हुआ। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।